हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपनों की जंग आरजी के संग। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स में सेकंड टाइप बताने जा रही हूँ, जो कि है हमारा प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब है इंग्लिश में सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम औद्योग से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी वस्तु का मशीनों या औजारों से निर्माण करना, मतलब कि उसको बनाना, उसको बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है अवसंरचना, है मतलब कि किसी भी चीज़ की बुनियाद रखना, जैसे पुल की बुनियाद रखना, सड़क की बुनियाद रखना, किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद रखना, उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। और थर्ड है हमारा ऑयल रिफाइनिंग, मतलब ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल रिफाइनिंग का मीनिंग है कि खानों को खोदना। अब आप जानते हैं कि खाने किसमें आई थी, हमारी माइनिंग आई थी, हमारी वो प्राइमरी क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वहां से खोद लिया हमने, अब कैसे उसका संशोधन करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं। ऑयल रिफाइनिंग का मतलब यहाँ पर ये है। एंड सेकेंडली हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी को भी, मतलब कि घर बनाने के लिए, या फिर कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, या फिर अस्पताल बनाने के लिए, या फिर बैंक बैंक का निर्माण करने के लिए, जिन भी हम क्या बोलते हैं, जिन भी कर्मचारियों या ठेकेदारों को काम पर रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन। और सेकंड है हमारा फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग, अब मैंने आपको प्राइमरी में पढ़ाया था कृषि, वो उसी से संबंधित है। वहां पर हम खेत में, मतलब कि वहां पर हमें कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, और कच्चे माल से हम जो फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मतलब कि गेहूं बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, ये फूड प्रोसेसिंग है। एंड थर्ड है हमारा, वो फोर्थ है हमारा वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई जल आपूर्ति, मतलब कि हमें जल वगैरह मिल गया, लेकिन हम कैसे कैसे लोगों के पास, मतलब किस किस सिस्टम से लोगों को जल पहुंचाएंगे। और थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि कच्चा माल तो हमें प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त होता है, लेकिन सेकेंडरी क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, उस माल को कैसे लोगों के पास पहुंचाएं, ये सारी प्रोसेस हमारी सेकेंडरी में है। अब जो सेकेंडरी है वो थर्ड से पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, जैसे कि आप इसमें समझ रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग होगी, कंस्ट्रक्शन होगा, तभी तो हमारा अस्पताल बनेगा, अच्छे अस्पताल बनेंगे, बैंक का निर्माण होगा, इंश्योरेंस मिलेगा, टेलीकॉम संरचना, क्योंकि यहाँ पर हम सारी चीजें तैयार कर चुके हैं। और अब ये सेवा कैसे कर रहे हैं, जैसे कि अस्पताल बन गया, उसमें डॉक्टर आपकी सेवा करेंगे, टेलीफोन, मतलब कि सेकेंडरी क्षेत्र में आपका टेलीफोन का निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी आपको कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, कैसे ये आपको सेवा करेगा, आपकी 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 सर्विस करेगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट, मतलब कि हमने यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन का काम किया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन किया हमने प्राइमरी सेक्टर, वो सेकेंडरी सेक्टर में हमने क्या बोलते हैं ऑटो बना लिया। अब हम आपको इसको सेवा में भेजना चाहेंगे कि ऑटो को किस तरीके से यूज किया जाता है, हम किस किस प्रकार से ऑटो का यूज कर सकते हैं, या फिर कार का यूज कर सकते हैं। होटल, जो कि कंस्ट्रक्शन में ही आता था, जो सेकेंडरी क्षेत्र में आता था, लेकिन अब ये निर्माण हो चुका है, अब आप इसमें जाके, जैसे कि आप कहीं भी जा रहे हैं, टूरिस्ट हैं तो आप किसी होटल में ही ठहरेंगे, तो वो होटल क्या कर रहा है, आपको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो सेकेंडरी टेरेसरी सेक्टर के अकॉर्डिंग कर रहा है। ओके, तो हम टेरेसरी, मतलब कि टेरेसरी सेक्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, होटल, और ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड, को रिलेटेड है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर अगर नहीं होता तो आपको कच्चा माल कैसे प्राप्त होता, और कच्चा माल प्राप्त होने के बाद आप उसका कंस्ट्रक्शन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका भी मतलब कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से करते, अगर आपका सेकेंडरी सेक्टर नहीं होता। सेकेंडरी सेक्टर आपको पूरा माल तैयार करके देने के बाद, जैसे कि आपका सैमसंग का फोन है, वो पहले उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फिर वो आपको प्रोवाइड किया गया, तो ये हमारे जो हमें फोन प्रोवाइड किया गया जिससे हम बात कर रहे हैं, वो हमारा आता है टेरेसरी सेक्टर में। ऐसे ही हमने हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया सेकेंडरी सेक्टर में, लेकिन अब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आएंगे, वो एजुकेशन के थ्रू आएंगे, तो हमारा टेरेसरी सेक्टर में एजुकेशन रखा गया है, क्योंकि एजुकेशन, अगर आप एजुकेटेड होंगे तभी तो आप किसी की सेवा कर सकते हैं, तभी तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर कुछ भी एक्सेट्रा। तो एजुकेशन जो है हमारा तृतीय क्षेत्र में आता है। अगर मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या बोलते हैं, एजुकेशन की नीड है। एजुकेशन, जब आपको आपको एजुकेशन प्राप्त हो जाएगी तभी तो आप किसी के यहाँ जॉब करेंगे, तो जॉब, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें हमारी टेरेसरी सेक्टर में आती हैं।